अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का भी शुभारंभ हो गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले ही पूरे विधि विधान के साथ इस महाआयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जय सियाराम के नारे के साथ की। पीएम मोदी ने कहा कि राम हम सब के भीतर हैं। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से राम मंदिर बनने का काम शुरू हो चुका है। ये मंदिर आधुनिकता का प्रतीक बनेगा। ये मंदिर हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। करोड़ों लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सियाराम जय सियाराम। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की आरती के बाद पारिजात का पौधा भी लगाया। पारिजात का पौधा लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के लिए खास तौर पर चांदी का फावड़ा बनाया गया था। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पारिजात के फूल को भगवान हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर के मॉडल पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। ये कुल 15 लाख डाक टिकट जारी किए गए हैं। इसका भी अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन स्थल पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन हुआ। सीएम योगी ने कहा कि 5 सदी के बाद आज 135 करोड़ भारतवासियों का संकल्प पूरा हो गया है। देश में लोकतांत्रिक तरीके के साथ ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज ये संकल्प पूरा हो रहा है। 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है, और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गईं। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसाद होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करते। यूपी के कौशाम्बी में सैनिक कोतवाली पुलिस ने गांजा की तस्करी करने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्करों के पास पुलिस ने बोलेरो में लदा 1 क्विंटल 35 किलो गांजा और 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद की है।
बरामद गांजे की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया। थाना सैनी क्षेत्र में 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी सामान्य कीमत करीब 11.5 लाख रुपए है। लॉकडाउन में जो कीमत उसकी बढ़ गई है, और ये छत्तीसगढ़ से लाना बताया जा रहा है, जो और उनके साथी उनको प्रकाश में लाकर कार्रवाई की जाए।